रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तस्बीहु निस्फुल मीज़ान वल्हम्दुलिल्लाह यमलाहु والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض والصوم نصف الصبر والطهور نصف الإيمان। इतने बड़े अल्फाज अल्लाह के रसूल ने फरमा दिए, मैं इसका तर्जमा किए देता हूं। क़यामत के दिन एक तराजू लगेगा, जिब्रील अमीन का हुक्म होगा तराजू लगाएं, और कुरान की आयत भी है, वनदअ अल-मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौम अल-क़ियामा, हम इंसाफ के लिए उस दिन एक तराजू कायम करेंगे। मुसलमानों के आमाल तोले जाएंगे, नेकियां भारी हुई तो जन्नती, बुराइयां भारी हुई तो जहन्नम में एक मरतबा जाना पड़ेगा, शर्त यह कि शिर्क ना किया हो। शिर्क किया हुआ तो फिर तो जहन्नम ही जाना होगा, फिर तो निकलने की गुंजाइश भी नहीं है। काफिर को बगैर उसके वजन किए ही जहन्नम में जाना होगा, कोई हिसाब किताब नहीं है काफिर का, सीधा जहन्नम में उसे जाना है। मीज़ान इतना बड़ा है वो तराजू, एक तराजू वो है जो जरगर के पास होता है, एक तराजू वो है जो आज शॉपकीपर के पास होता है, एक तराजू वो है जिससे आप बड़ी बड़ी शिपमेंट जो है उसका वजन कर लेते हैं। ये कैसा तराजू है जिसके बारे में सहाबी कहते हैं, लो वुज़िअतिस समावातु वल अर्ज़ु वमन फीहिन्न फी किफ्फ, सातों आसमान सातों जमीनें 14 के 14 तबक और जो कुछ इसके खला सब कुछ अगर एक पलड़े में डाल दिए जाएं जो कियामत को तराजू लगेगा तो एक पलड़ा फिर भी भरेगा नहीं। कितना बड़ा ये तराजू है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, अत्तस्बीह निस्फुल मीज़ान। मुसलमानों, जो एक मर्तबा दिल की खुशी से कह देता है ना सुबहानअल्लाह, अल्लाह तू पाक है, तो आधा तराजू नेकियों का भर जाता है। वल्हम्दुलिल्लाह यमलाहु, खुश हो जाओ कि अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है बहुत कुछ दिया है, बल्कि मानना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे वो कुछ दिया है, मैं इसका मुस्तहिक भी नहीं था, मेरे ऐसे आमाल नहीं है जितना अल्लाह ने मुझे दिया है। दिल की खुशी से एक लफ्ज बोल दो, छोटा सा लफ्ज है, गिनती के 1 से 2 सेकंड में अदा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरी ही तारीफ है। ये कहने से उस तराजू के दोनों पलड़े लबालब नेकियों से भर जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वत्तकबीरु यमलाउ मा बैनस समाई वल अर्द, जमीन व आसमान का खला ये 500 साल का है। कितने सौ साल का है? 500 साल सफर करें तो पहला आसमान आएगा, जैसा कि हदीस है मिनहाल में, फिर पहले आसमान की थिकनेस जो है वो भी 500 साल उसकी मुसाफत है, इसी तरह सातों आसमान है। लंबी हदीस है, किसी दिन मौजू के मुताबिक बयान करेंगे। और सातों आसमानों के ऊपर भी एक समंदर है जिसकी गहराई भी जो है वो 500 साल की है। एक कलिमा जब इंसान बोलता है तो जमीन से आसमान तक का जितना खला है ये नेकियों से भर जाता है। वो कलिमा कौन सा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। रब की किबरियाई बयान करना अल्लाह ताला को इतना पसंद आता है कि जमीन और आसमान का खला नेकियों से भर जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें और बयान की, और इन दो बातों पे भी गौर कीजिएगा, अस्सौम निस्फुल ईमान व तुहूर निस्फुल ईमान, एक पाकीजगी और सफाई निस्फ ईमान है, और एक रोजा निस्फ ईमान है, और निस्फ सब्र है।